लव वगैरह का ख्याली पुलाव मैंने टेस्ट करके पकाकर छोड़ दिया है। ये फेमस डायलॉग है बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का। उनकी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस का ये डायलॉग। नमस्कार, मैं रशिका शर्मा स्वागत करती हूँ हमारे शो सिनेमा खबर में, जहाँ हम आपको करवाएंगे मनोरंजन की दुनिया से रूबरू। और आज है बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का खास दिन, यानी उनका जन्मदिन। आइए आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं मनोरंजन की दुनिया की खास खबरों पर। पैप्स को देख चिड़चिड़ाए अभिषेक बच्चन, कैमरे को देख जोड़ लिए हाथ, बोले बस भैया हो गया। जी हाँ, अभिषेक बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिषेक मुंबई एयरपोर्ट में नजर आ रहे हैं। वीडियो में अभिषेक काफी नाराज लग रहे हैं। अभिनेता हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग पूरी करके मुंबई लौटे। वे जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, पैपराजी ने पार्किंग एरिया में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये देखकर अभिषेक कुछ चिड़चिड़ा गए और उन्होंने पैप से दूर रहने को कहा। जैसे ही पैपराजी उनके पीछे आने लगे, अभिषेक ने चिढ़कर उनसे और तस्वीरें क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। सेपरेशन और तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी हैं। फिलहाल दोनों ही सितारे इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और सिर्फ अपने एक्शन से ऐसी अफवाहों का जवाब दे रहे हैं। साल 2007 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने शादी की थी। शादी के 4 साल बाद दोनों को बेटी आराध्या के पेरेंट्स बने। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती थी। कई मंचों पर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कभी साथ में थिरकते दिखे तो कभी सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे की तारीफ की। अब एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अभिषेक एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। 100 करोड़ी फिल्म देने वाली इस हीरोइन को देख करिश्मा कपूर ने बनाया अटपटा मुंह। जी हाँ, इस साल रिलीज हुई फिल्म मुंजिया की हीरोइन शर्वरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल हुई नजर आईं। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के कई और दिग्गज भी वहां मौजूद रहे हैं। इस इवेंट में शर्वरी को भी अवार्ड दिया गया। उन्होंने ट्रेडिशन अटायर में मंच पर पहुंचकर सम्मान ग्रहण किया। वो मंच से नीचे आई और इसी दौरान करिश्मा कपूर के सामने से गुजरी। करिश्मा कपूर की नजर एक्ट्रेस पर पड़ी और उन्होंने अजीब तरह का मुंह बनाया। उनका ये एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गया। सामने आए वीडियो में बड़े ग्रेसफुल अंदाज में शर्वरी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और करिश्मा उन्हें देखकर अजीब मुंह बना रही हैं। शोभिता धुलीपाला और नागा चैतन्य ने अगस्त में अपनी सगाई समारोह की तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी उनके पिता नागार्जुन ने फैंस को दी थी, जिसके बाद सभी हैरान रह गए, क्योंकि कपल ने कभी अपने रिश्ते के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। नागा चैतन्य ने सगाई के 2 महीने बाद ही शोभिता धुलीपाला दुल्हन बनने जा रही हैं। उनके घर में शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस समारोह की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। गदर एक प्रेम कथा, अपने और गदर 2 जैसे हिट फिल्मों के बाद अब अनिल शर्मा नई फिल्म का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ, जिसे वो एक बार फिर जी स्टूडियो के साथ मिलकर ला रहे हैं। दशहरे के खास मौके पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म वनवास के बारे में एक बड़ी घोषणा की, जिसमें एक और शानदार फिल्म लाने का वादा किया गया। ऐसे में अब बिना किसी देरी के ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 20 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में नाना पाटेकर लीड रोल में हैं और माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है। ये एक टाइमलेस थीम पर बात करती नजर आएगी। फिल्म दिखाएगी कि कैसे फर्ज, सम्मान और अपने कर्म के परिणाम जिंदगी को आकार देते हैं। बॉलीवुड के बायोपिक का चलन सालों से है। देश के नामी लोगों पर फिल्में बनती आई हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने कई स्पोर्ट्स बायोपिक दी हैं और इन फिल्मों ने कई कम आंके गए खिलाड़ियों के जीवन को अमर बना दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि साल 2012 में पान सिंह तोमर वो फिल्म थी जिसने भारत में बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों का मार्ग प्रशस्त किया। इसके ठीक बाद साल 2013 में भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई और 2014 में मैरी कॉम रिलीज हुई। इसी साल कार्तिक आर्यन को आखिरी बार स्पोर्ट्स बायोपिक में देखा गया था। उनकी फिल्म चंदू चैंपियन पैरा ओलंपिक पदक विजेता
मुरलीकांत पेडकर के जीवन इतिहास पर आधारित थी। बायोपिक्स की बात करें तो भारत में इस समय सबसे ज्यादा मांग वाली स्पोर्ट्स बायोपिक में से एक स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और दो बार के ओलंपियन नीरज चोपड़ा की है। कन्नड़ एक्टर और बिग बॉस कन्नड़ होस्ट किच्चा सुदीप की मां सरोजा संजीव का बीते दिन निधन हो गया। अभिनेता की मां के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर किच्चा सुदीप के फैंस उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देते नजर आए। इसी बीच एक्टर की मां के अंतिम संस्कार से पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर अभिनेता के फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। इन तस्वीरों में किच्चा सुदीप पॉलिटिशियन बसवाराज बोम्मई के गले लगकर रोते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट पर कन्नड़ स्टार की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ 20 अक्टूबर को मुंबई के नेस्को में अमेरिकी गायक कृष्ण दास द्वारा आयोजित कीर्तन में शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजकों ने करवा चौथ की रात लाइव कार्यक्रम का आनंद लेते हुए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तस्वीरें साझा की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में से एक में अनुष्का को भीड़ में खड़े होकर ताली बजाते हुए देखा जा सकता है, वहीं विराट भी कीर्तन में आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सलमान खान के सपोर्ट में उतरे मीका सिंह। जी हां, बाबा सिद्दीकी का जाना सलमान खान को काफी भारी पड़ रहा है। अपने दोस्त को खोने के बाद सलमान खान की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शख्स ने सलमान खान को धमकी भरा मैसेज भेजा था। इसी बीच बॉलीवुड के सितारों ने सलमान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सोमी अली लगातार सलमान खान को बचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पंगा ले रही हैं। इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर मीका सिंह की, जिन्होंने सलमान खान को हिम्मत रखने के लिए कहा है। टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ पर कम ही बात करना पसंद करती हैं। एक्ट्रेस काफी समय से सुमित सूरी को डेट कर रही हैं, लेकिन दोनों ही अपने डेटिंग लाइफ को पर्सनल बनाकर रखते हैं। सुरभि और सुमित शायद ही कभी डिनर डेट या फिर पब्लिकली स्पॉट हुए हैं, लेकिन इस कपल के फैंस के लिए गुड न्यूज नजर आई है। सुरभि ज्योति और सुमित सूरी ने शादी का फैसला कर लिया है। दोनों ने लंबी डेटिंग के बाद अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि ज्योति इस महीने की 27 तारीख को शादी के बंधन में बंधने वाली है। सुरभि और सुमित 27 अक्टूबर को जिम कॉर्बेट में साथ फेरे लेंगे, जिसे सुनकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। इंडियन आइडल सीजन 12 में नजर आई अरुणिता कांजीलाल ने अपने आवाज के जादू से सभी को दीवाना बना दिया है। जी हां, अरुणिता के साथ ही शो में पवनदीप राजन भी नजर आए थे। दोनों का जबरदस्त बॉन्ड चारों तरफ छा गया था। दोनों को देखकर लगता था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही इस बात से इनकार करते नजर आए। लेकिन फिलहाल तो अरुणिता कांजीलाल के प्रेगनेंसी फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फोटोशूट वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अरुणिता कांजीलाल के साथ पवनदीप राजन पोज देते नजर आ रहे हैं। अंबानी परिवार किसी न किसी वजह के चलते आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ वक्त पहले ही मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ में शादी हुई, लेकिन अब हाल ही में अंबानी परिवार की छोटी बहू यानी कि राधिका का जन्मदिन भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया, जिसके चलते राधिका काफी सुर्खियों में रही। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर राधिका का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वे कई सारी और अपने दोस्तों के साथ में डांस करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो राधिका की दोस्त की शादी का है और इसमें वे जमकर जोरदार डांस कर रही हैं। राधिका मर्चेंट इस वायरल हो रहे वीडियो में शहनाज गिल के गाने सजना वे सजना पर जमकर डांस कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि राधिका ने इस वायरल हो रही वीडियो में जो आउटफिट पहना हुआ है, वो इससे पहले अनन्या पांडे ने भी पहना हुआ है। ये हूबहू वही ड्रेस है जो अनन्या पांडे ने एक रैंप वॉक के दौरान पहनी थी। अब इस वायरल हो रहे वीडियो पर लगातार लोग भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की खबर होती है यही खत्म। आइए बढ़ते हैं एक्ट्रेस परिणीति के खास दिन की ओर। परिणीति चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका है, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है।
परिणीति को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक फिल्म फेयर और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। परिणीति 2013 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में शामिल हैं। लोग उन्हें प्यार से परी भी कहते हैं। परी का जन्म अंबाला हरियाणा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है, उनकी माँ का नाम रीना चोपड़ा और उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग और सराज है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा उनकी कजन्स हैं। परिणीति चोपड़ा ने आप पार्टी नेता और सांसद राघव चड्ढा को काफी समय तक डेट करने के बाद पिछले साल यानी 13 मई 2023 में सगाई कर ली थी। उसी साल 24 सितंबर 2023 को दोनों ने उदयपुर में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कर ली। कपल अब एक साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। परी की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। तो ये थी आज की खास पेशकश परिणीति चोपड़ा के जन्मदिन पर। हम उन्हें तहे दिल से ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक बने रहे हमारे साथ महुआ खबर पर। नमस्कार।